मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप लोग राहिद सोलकर का वीडियो देख कर आते हैं यहाँ पे और इनका नाम लेते हैं तो हम आपको एक 50,000 का एडिशनल डिस्काउंट देंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम चो, कसा का, हेलो एंड वेलकम, वनकम। मैं राहिद फकीर मोहम्मद सोलकर आप सबके अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। सो, अभी मैं हूँ खारगर से नज़दीक तलोजा फेज 2, यहाँ पर हूँ मैं। और आज का ये वीडियो प्रॉपर्टी रिलेटेड होने वाला है। अगर आप लोग नवी मुंबई में प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हो, नवी मुंबई में अगर आप फ्लैट्स ढूंढ रहे हो 1 BHK 2 BHK, अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना सोच रहे हैं नवी मुंबई में खारगर के पास में, जो कि मेट्रो स्टेशन से वॉकेबल डिस्टेंस में है एक, तो ये आज का वीडियो आप लोगों के लिए। वीडियो में एंड तक बने रहे, काफ़ी कुछ देखने के लिए मिलेगा। आप लोग एरिया देख सकते हैं यहाँ आकर कैसा है, पूरा डेवलपमेंट है, सिडको का डेवलपमेंट चल रहा है। ये यहाँ पर मार्केट है, मार्केट के पास में बजाज इंटरनेशनल स्कूल है यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा एरिया है यहाँ पर। यहाँ से देखोगे तो पेंदर मेट्रो स्टेशन है, खारगर तलोजा से आपको कैब्स मिलेंगे, बस मिलेंगे, बस स्टेशन है आगे जो कि 43 और 45 नंबर की बस जाती है खारगर में। इतना काम हो चुका है, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग है ना, इसका काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, फाइनल स्टेज पे चल रहा है। अभी आप देख सकते हैं वहाँ पर कलर का काम चल रहा है। फिर यहीं पर चल के मैं आपको सैंपल फ्लैट दिखाने वाला, और इसका पोजीशन है ना दिसंबर तक का हो जाएगा। तो ये डेवलपमेंट है ना, ये सिडको की डेवलपमेंट है, आप देख सकते हैं। तो यहीं पर अंदर चल के मैं आप लोगों को एक सैंपल फ्लैट दिखाता हूँ कैसा क्या है। चलो चलते हैं, आप लोगों को दिखाता हूं मैं। अभी मैं अंदर ऑफिस में जाऊंगा, SM हाईटेक, यहाँ पर अंदर चल के यहाँ पे जो सर है ना, क्लोजिंग मैनेजर है ना, उनसे बात करूंगा। उनसे बात करके मैं पूछूंगा यहाँ की जो कुछ भी सीन है, उनसे चल के पूछूंगा। क्लोजिंग मैनेजर शहबाज सर है यहाँ पर। यस, क्या आप बताओ कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आई यस, आपका ही वेट कर रहा था बहुत टाइम से, सारे प्रोजेक्ट दिखाने थे आपको। देखिए, हमारी जो बात हुई थी ना आपसे, ये इंपीरियल के बारे में मैंने बात किया था। ये हम लोग एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है हमारा, अभी हमने इसको स्टार्ट किया, अभी एक साल हो गया इसको स्टार्ट करके। ये G+14 के 4 टावर्स बना रहे हैं हम लोग यहीं पे अपने ऑफिस के बाजू वाला लोकेशन, एग्जैक्टली अपना तलोजा फेज 2 बोलते हैं इस जगह को। ये G+14 के 4 टावर्स बना रहे हैं हम लोग एक साथ, एक ही सोसाइटी में। टोटल अगर देखेंगे तो 2.5 एकड़ का लैंड पार्सल है अपना। इस बिल्डिंग में हमने सारी एमिनिटीज़ दी हैं, लाइक आपको सारी फैसिलिटीज़ दी हैं। अगर आप फैसिलिटीज़ की बात करेंगे तो हमने इसमें आपको 2-2 स्विमिंग पूल दिया है, उसके बाद के बच्चों के खेलने के लिए गार्डन दिया है, जिम है, इंडोर गेम्स है। ये मॉडर्न एमिनिटीज़ में ऑलमोस्ट हमने इसमें सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। एक जो सबसे ख़ास चीज़ अगर आप इसमें देखते हैं तो ये, मतलब एमिनिटीज़ के बारे में थोड़ा सा लेंदी कर रहा हूँ,
इसका रीजन क्या है ना, अगर आप किसी बिल्डिंग में इस तरह की एमिनिटीज देखते हैं तो ये सारी एमिनिटीज को या तो फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट किया जाता है या रूफ टॉप पे बनाया जाता है। उसको बिल्डर जरा एक ग्लैमरस नाम देता है कि रूफ टॉप एमिनिटीज, बट यहाँ पे आप देखो बिल्डर ने अलग से स्ट्रक्चर बनाया है इन सारी एमिनिटीज के लिए, ताकि लोग इंजॉय कर पाए एमिनिटीज को। ये ऐसा ए बी विंग के लिए अलग या सी डी विंग के लिए अलग नहीं है, मकसद क्या है ताकि ओवरक्राउडेड नहीं हो, इसलिए हमने हर फैसिलिटी को इसमें ना आपको दो दो दिया है। 1 and 2 BHK की इन्वेंट्री है इसमें। अगर हम प्राइसेस की बात करें 35 लाख प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस से अपना 1 BHK शुरू होता है, 44 लाख प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस से अपना 2 BHK स्टार्ट होता है। ये हमारे स्टार्टिंग प्राइसेस हैं, 44 से लेके 56 लाख तक का 2 BHK इसमें है, 35 लाख से लेके 41 लाख तक का 1 BHK है इसमें। ये तो हमारा एक टावर था जिसका नाम है इंपीरियल टावर। इसके साथ साथ 3 और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट और भी हैं हमारे पास, वो तीनों भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये भी हमने अभी शुरू किया है, इसका प्लिंथ का काम चालू है, इसका रेरा भी आ चुका है, सीसी तो बहुत पहले आ गया था। ये भी G+14 के टावर है, G+14 का एक सिंगल टावर है। इसमें हमने 2 विंग दिया आपको, A-wing and B-wing। इसमें जो खास बात है ना, इसमें सिर्फ 2 and 3 BHK की इन्वेंट्री है। इसमें हमारा 52 लाख से 2 BHK शुरू होता है, 52 लाख से लेके 95 लाख तक की इन्वेंट्री है इसमें 2 and 3 BHK। सबके साइजेस अलग अलग हैं, अगर आपके रेफरेंस से भी कोई आता है तो उसको हम ओवर द टेबल गाइड करेंगे कि एग्जैक्टली हम उनको मतलब कौन कौन सी चीज़ें इसमें देने वाले हैं। मॉडर्न एमिनिटीज़ में इसमें भी सारा कुछ हमने दिया है। अगर आप पीछे साइड में आते हैं तो ये प्यारा सा क्लब हाउस, उसके साथ साथ एक बड़ा सा स्विमिंग पूल हमने दिया है इसमें। 2 and 3 BHK की इन्वेंट्री आएगी इसमें। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है मेरे पास, ये सारे इसी लोकेशन पे हैं, तलुजा फेज 2 में। ये वाला जो प्रोजेक्ट है इमरल्ड नाम है इसका, SM हाईटेक इमरल्ड। इसमें 1 and 2 BHK की इन्वेंट्री है, दिसंबर 2025 का पोजीशन है, आज से 26 मंथ जाएंगे इसके पोजीशन में। A and B-wing, इसमें भी 2 विंग है। अगर आप एमिनिटीज देखेंगे तो इसमें भी हमने सारे एमिनिटीज दिए हैं, साथ साथ इसमें हम लोग ना आपको 28 शॉप्स भी दे रहे हैं, यानी कि एक मतलब छोटी मोटी चीज़ों के लिए कहीं आपको ट्रैवल नहीं करना होगा, वो सारी चीज़ें आपको यहीं मिल जाएंगी। उसके साथ साथ हमने ये शॉपिंग सेंटर भी दिया है इसमें, कि बिल्डिंग के ठीक सामने अपनी बिल्डिंग का एक पूरा का पूरा शॉपिंग सेंटर है, इसके लिए भी आपको ट्रैवल नहीं करना है कहीं। उसके अलावा मेरे पास एक ये प्रोजेक्ट और भी है, इसका नाम है SM ज्वेल। ये घोट विलेज में आ रहा है, ये पैराडाइज का सन सिटी करके एक बड़ा सा प्रोजेक्ट है, उसके सामने बना रहे हैं हम लोग। ये भी G+14 का एक टावर है, इसमें भी सारी एमिनिटीज दी हैं, साथ में इसमें शॉप्स भी दी हुई हैं हम लोगों ने नीचे। इसका पोजीशन मार्च 2026 का है भाई। तो ये वाला जो अपना प्रोजेक्ट है ना, इसका नाम है SM ज्वेल, ये हम लोग घोट विलेज में बना रहे हैं। ये भी G+14 का टावर है, इसमें भी सिर्फ 2 and 3 BHK की इन्वेंट्री है। अगर आप इसमें देखेंगे, इसमें शॉप्स भी दी है हमने, इसमें स्विमिंग पूल भी है, जिम भी है, गार्डन भी है, यानी सारी मॉडर्न एमिनिटीज़ दी है। और ये जो मैंने आपको चारों प्रोजेक्ट दिखाए, ये चारों के चारों रोमन थीम पे बेस्ड हैं, यानी कि हमने इसमें रोमन आर्किटेक्चर को कॉपी किया है, रोमन स्टाइल बिल्डिंग्स बना रहे हैं। और इस प्राइस में इतना बड़ा कार्पेट, अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल हमारा 1 BHK में 400 square feet से कार्पेट एरिया स्टार्ट होता है, 400 से लेके 450 स्क्वायर फीट तक हमारे पास 1 BHK का कार्पेट है। 2 BHK में अगर आप देखेंगे तो एक 500 से लेके 650 स्क्वायर फीट तक कार्पेट हमारे पास है 2 BHK में अवेलेबल। हमारे पास ऑलरेडी ऐसी बिल्डिंग्स है जो हम लोग बना रहे हैं जिसमें सिर्फ 2 and 3 BHK है। ये फर्स्ट टाइम कोई बिल्डर इस मार्केट में 2 and 3 BHK की स्पेशल बिल्डिंग लेके आया है, जो सबका पोजीशन हम आपको 2025 में देने वाले हैं लास्ट में। तो यहाँ पे फ़ायदा क्या है ना, अगर आप आते हो या आपके रेफरेंस से कोई आता है तो एक क्लाइंट को एक टेबल पे 4-5 प्रोजेक्ट देखने को मिलता है, ये उनके लिए अच्छी बात है। तो उनको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। थोड़ा सा SM के बारे में बता दूँ, अपनी कंपनी के बारे में, SM हाईटेक डेवलपर्स, ये एक 28 साल पुरानी कंपनी है जो मार्केट में पिछले 28 साल से है। इसने मोर देन 200 प्रोजेक्ट किए हैं ऑल ओवर नवी मुंबई में। अगर आप देखते हो एक 35 लाख से लेके ना 3 करोड़ तक के फ्लैट्स हमारे पास और शॉप्स अवेलेबल हैं। तो ये पूरे नवी मुंबई में हम लोगों ने काम किया है। अभी हमारे प्रोजेक्ट हर लोकेशन पे हैं हमारे पास आज के डेट में, खारघर, उलवे, सी वुड्स, बेलापुर, नेरुल। इनफैक्ट अभी हम लोग का तो पनवेल में भी एक प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। खारघर में हमारे 4 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं आज के डेट में। तो हर ऑप्शंस में, हर एरिया में हमारे पास अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अगर कोई यहाँ पे आता है तो उनको बहुत सारे वेरियस ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप लोग राहित सोलकर का वीडियो देखकर आते हैं यहाँ पे और इनका नाम लेते हैं तो हम आपको एक 50,000 का एडिशनल डिस्काउंट देंगे।
ये भाई ने बुकिंग की है हमारे साइट पे और इन्होंने अभी अपना नया नया घर खरीदा है। वेलकम टू सिंह, थैंक यू सर, कांग्रेचुलेशन। तो आज की वीडियो इधर ही खत्म हुई। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, कॉन्टैक्ट करना और विजिट जरूर करना। खुदा हाफिज़। मिलते हैं वापस अगली वीडियो में। अभी ऑल।